अस्सलाम वालेकुम, काम्स ऑफ फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? जिस तरह से हमने कहा था, ठंडाई वीक का वो स्टार्ट हो चुका है और आज की मज़ेदार रेसिपी है गोला गंडा की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो भी रमज़ान में हमारे घर शरबत आए थे वो सब बचे हुए हैं, कोई हमने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है क्योंकि किसी को पसंद नहीं है। रूह अफ़ज़ा हमारा माशाल्लाह से एंड पर है और टैंक बचा हुआ था, वो तमाम चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपका ये फिनिश हो चुका है और स्टॉक खाली है तो उसके लिए मैं आपको सिरप बनाना सिखाऊंगी। ये टैंक जो है, इसका प्रोसीजर जो मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगी उसी प्रोसीजर से आप तमाम जो है वो सिरप बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने एक कप पानी ऐड किया है और हाफ कप शुगर ऐड किया है। अगर आपके पास जो कोई भी सिरप जैसे रूह अफ़ज़ा कोई वगैरह नहीं है तो आप फिर यहाँ से इस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। इसमें से आप टैंक का पाउडर स्किप कर सकते हैं। और बाकी देखें, इस तरह से मैंने चीनी मेल्ट कर दी है। यहाँ पर मेरे पास टैंक था तो मैं टैंक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास टैंक नहीं है तो भी आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स और एसेंस डालकर अपने डिज़ायर सिरप बना सकते हैं। आप चाशनी को इसी तरीके से पकाते रहेंगे, जब चाशनी थिक हो जाएगी तो उसके अंदर आप अपनी पसंद का कलर, अगर आप पाइन एप्पल बनाना चाहते हैं तो आप लेमन येलो कलर ऐड करेंगे और पाइन एप्पल एसेंस ऐड करेंगे। अगर आप स्ट्रॉबेरी बनाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी का रेड कलर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करेंगे। इस तरीके से आपका वो सिरप रेडी हो जाएगा। मेरे पास टैंक था तो मैं टैंक ऐड कर दिया। तो इसमें मैं ऑरेंज एसेंस नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा ऑरेंज टैंक तो इसमें ऐड है, तो बस मैंने ऑरेंज कलर इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा शार्प कलर के लिए। अब ये देखें, मैंने इसको पकाया है, थिक हो चुका है हमारा, तकरीबन सिरप रेडी है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कलर और ऐड करूँगी, 2 पिंच तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, बहुत मज़ेदार सा हमारा सिरप रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बर्फ मैंने एक बोल में जमाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस में जमाई थी। इसमें मैंने जमाई थी और इस इतनी बर्फ़ से मेरा एक बोल और एक गिलास जो है वो गोला गंडा बन जाएगा। अब आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना आप लेंगे। इसको कपड़े में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और जो गोला गंडा जो मेकर आता है उसमें भी आप इसकी बर्फ क्रश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही घरेलू तरीके से बना रही हूँ, उसको मैं कूट रही हूँ। अभी मैंने खोल के देखा है तो इसमें थोड़ा सा ये बची हुई है बर्फ़ और मोटी मोटी सी है, तो इसको दोबारा से करेंगे। ये देखें, और अब जो है वो हमारी बर्फ़ जो है वो बिल्कुल डिज़ायर्ड फॉर्म में आ चुकी होगी, बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त सी। तो अब मैं इसको असेंबल करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लिया है वो ठंडा बोल लिया है मैंने, इसमें ठंडा पानी ऐड किया था मैंने। आप चाहें तो थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं बोल को, ताकि बोल जो है गर्म रहेगा तो हमारी बर्फ़ फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तमाम कलर्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद कंडेंस मिल्क डाला है जिसकी रेसिपीज़ मैं आप से आगे शेयर करूंगी। चॉकलेट सिरप ऐड किया है और ये मज़ेदार सा मैंगो आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। जेलीज ऐड की है मैंने और फिर उसके बाद दोबारा से चॉकलेट सिरप इसके ऊपर कोट कर रही हूँ, कोट तो नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। चलें, चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया और ये मज़ेदार सा गोला गंडा हमारा रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है और हम इंजॉय करते हैं इसको। इसके साथ ही हम एक चीज़ और भी इंजॉय करते हैं, वो है स्टिक गोला, जो मैं बहुत बचपन से बहुत शौक से खाती हूँ और मैं सिर्फ ऑरेंज कलर का ही खाती थी गोला गंडा। आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है ज़रूर बताइएगा। एक मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिया, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाली और बीच में स्टिक खड़ी कर तमाम जितनी भी बर्फ़ बची है उसको मैं अंदर प्रेस कर दूंगी, ग्लास के स्टिक को मैं दबा दूंगी और बहुत लाइटली मैं इसको बाहर निकालूंगी हाथ से। ऑरेंज कलर का मैंने मज़ेदार सा गोला बना लिया और मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।